हे गाइस वेलकम बैक टू नोट। गाइस आज के इस वीडियो में राधाकृष्ण प्लेइंग होली की जो आउटलाइन ड्रॉ किया था उसके ऊपर मैच कलरिंग करने वाला हूँ। और जो भी आउटलाइन ड्राइंग वाला वीडियो नहीं देखा सर उसे देख लेना, वीडियो का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी। तो कलरिंग शुरू करने से पहले जैसे कि आप लोग देख सकते हो मैं ग्रिड लाइन्स को इरेज कर रहा हूँ डॉम्स की मैकेनिकल पेंसिल से, और उसके बाद फुल आउटलाइन को मैं 80% इरेज कर रहा हूँ ताकि उसमें जो भी एक्स्ट्रा ग्राफाइट है वो सब निकल जाए। ओके नेक्स्ट अभी हमें फुल बैकग्राउंड को होली की तरह कलरिंग करना है। तो सबसे पहले जैसे कि आप लोग देख सकते हो मैं फुल बैकग्राउंड को ही पानी से वेट कर रहा हूँ, और अभी मैं यहाँ पर एक्रेलिक पेंट का यूज कर रहा हूँ। बाय द वे आप लोग यहाँ पर वाटर कलर पेंटिंग का भी यूज कर सकते हो क्योंकि मैं फुल बैकग्राउंड को ही वाटर कलर टेक्निक से कर रहा हूँ। और एक्चुअली मैं इस ड्राइंग को वाटर कलर से करने की सोच रहा था क्योंकि मुझे ये ड्राइंग बहुत ही जल्दी खत्म करने की मन कर रहा था, बट वो कहते हैं ना जल्दी का काम शैतान का होता है, और एक्चुअली मेरे साथ ऐसा ही हुआ। जैसा मुझे बैकग्राउंड में रिजल्ट चाहिए था वैसा बिल्कुल भी नहीं मिला। और आप लोग भी मेरी तरह थोड़ा बहुत होली खेल सकते हो कलर से, अगर अच्छा रिजल्ट निकल कर आ जाए तो फिर तो बहुत ही अच्छा बात है, और अगर नहीं आएगी तो घबराने की कोई बात नहीं है, आप लोग की ड्राइंग खराब नहीं होने वाला है, आप लोग उसको ऑयल पेस्टल से फिक्स कर सकते हो। ओके तो नेक्स्ट जैसे कि आप लोग देख सकते हो मैं डॉम्स के ऑयल पेस्टल का यूज कर रहा हूं, और सबसे पहले मैं कृष्णा जी के फेस में कलरिंग कर रहा हूँ। और ऑयल पेस्टल के रूल्स तो आप लोगों को पता ही होगा, डार्क टू लाइट वैल्यूज तक हमें जाना होता है। तो डिफरेंस फोटो को ऑब्जर्व करके डार्क वैल्यूज के लिए मैं प्रूशियन ब्लू कलर का यूज कर रहा हूँ। और पेंसिल स्केच में जिस तरीके से हम शेडिंग करते हैं, लाइक जहाँ पर ज्यादा डार्क है वहाँ पर ज्यादा प्रेशर अप्लाई करके हमें शेडिंग करना है, मीडियम वैल्यूज जहाँ पर है उस टाइप के एरियाज में हमें लो प्रेशर अप्लाई करके शेडिंग करना है, और लाइट वैल्यूज जहाँ पर भी है उस टाइप के एरियाज को हमें छोड़ के शेडिंग करना है, या फिर उस टाइप के एरियाज में हमें एकदम लो प्रेशर अप्लाई करके शेडिंग करना है। और हाँ डिफरेंस फोटो के लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी, आप लोग पहले वो डाउनलोड कर लेना। ओके नेक्स्ट अभी लाइट एरियाज में और मीडियम डार्क एरियाज में व्हाइट कलर को यूज करके ज्यादा प्रेशर अप्लाई करके शेडिंग कर लेना है, और बाकी जो भी डार्क एरियाज है उस टाइप के एरियाज में हमें मीडियम प्रेशर अप्लाई करते हुए शेडिंग कर लेना है। और अभी राधा जी की फेस में भी सेम उसी तरीके से ही कलरिंग करना है। तो पहले कृष्णा जी की फेस में डार्क वैल्यूज के लिए जिस तरीके से हम प्रूशियन ब्लू कलर से शेडिंग किए थे, वैसे ही हमें राधा जी की फेस में ब्राउन कलर से शेडिंग कर लेना है। ओके नेक्स्ट अभी फ्लेस्टिन कलर को यूज करके डार्क वैल्यूज में और मीडियम वैल्यूज में मीडियम प्रेशर अप्लाई करके सेटिंग कर लेना है, और लाइट वैल्यूज में एकदम लो प्रेशर अप्लाई करके सेटिंग कर लेना है। और अभी व्हाइट कलर को यूज करके इसकी ऑपोजिट करना है, लाइक लाइट वैल्यूज में हमें ज्यादा प्रेशर अप्लाई करके सेटिंग करना है, और मीडियम और डार्क वैल्यूज में लो प्रेशर अप्लाई करते हुए सेटिंग कर लेना है। और अभी सेम इसी तरीके से जिस तरीके से हम राधा कृष्ण की फेस में कलरिंग किए, सेम अभी उसी तरीके से ही राधा कृष्ण की हाथ में भी कलरिंग कर लेना है। ओके तो नेक्स्ट अभी बैकग्राउंड को भी ऑयल पेस्टल से ही कलरिंग कर रहा हूँ। बाय द वे आप लोग अगर बैकग्राउंड में होली नहीं खेले हो देन आप लोग यहाँ से बैकग्राउंड को स्टार्ट कर सकते हो ऑयल पेस्टल से। तो मैं डिफरेंस फोटो जैसे ही बैकग्राउंड में कलरिंग कर रहा हूँ, और जहाँ पर जो मर्जी आप लोग कलर यूज कर सकते हो, बस ध्यान रखना कि आप लोगों को लाइट कलर ज़्यादा यूज करना है, लाइक व्हाइट, पिंक, लाइट ग्रीन, लाइट येलो, लाइट ब्लू, इन सब कलर्स का ज़्यादा यूज करना है आप लोगों को बैकग्राउंड में। बाकी मैं किस तरीके से कर रहा हूँ आप लोग ध्यान से देखो। ओके देन अभी इसको ब्लेंड करने, तो ब्लेंड करने के लिए मैं यहाँ पर कॉटन बट का यूज कर रहा हूँ, और कॉटन बट के ऊपर पहले इस तरीके से व्हाइट कलर से घिस लेना, और बैकग्राउंड में इस तरीके से राउंड राउंड करके ब्लेंड करना है आप लोगों को, और एक साथ दो तीन कॉटन बट का यूज करना, उससे आप लोग बैकग्राउंड को बहुत ही जल्दी ब्लेंड कर सकते हो।
और ब्लेंड करने के बाद अभी कहीं पर भी और कलर ऐड करने की मन करे तो आप लोग ऐड कर सकते हो, देन आप लोगों को उसी तरीके से राउंड राउंड करके ब्लेंड कर देना है। ओके तो बैकग्राउंड कंप्लीट हो गई है और अभी राधाकृष्ण की फेस में भी कॉटन बार्ड से ही ब्लेंड कर देना है। बट इस बार ब्लेंड करने की तरीके पहले जिस तरीके से हम फेस में कलर से शेडिंग किए थे उसी तरीके से ही हमें अभी ब्लेंड करना है शेडिंग की अकॉर्डिंग। बाकी मैं किस तरीके से कर रहा हूँ आप लोग ध्यान से देखो। ओके तो नेक्स्ट अभी कलर करेक्शन करना है तो रिफरेंस फोटो में कृष्ण जी की फेस में देखो थोड़ा वायलेट कलर की इफेक्ट है तो वो ऐड करने के लिए फेस में जो भी डार्क वैल्यूज है उसके ऊपर हमें वायलेट कलर से शेडिंग करना है। और अभी राधा जी की फेस में भी जहाँ पर थोड़ा और डार्क वैल्यूज चाहिए वहाँ पर मैं ब्राउन कलर से शेडिंग कर रहा हूँ। और अभी फुल फेस में अच्छी तरीके से नोटिस करना डिफरेंस फोटो में थोड़ा योलो सा इफेक्ट है तो वो ऐड करने के लिए मैं डीप योलो कलर से फुल फेस में एकदम लो प्रेशर में शेडिंग कर रहा हूँ। और अभी इसको भी कॉटन बट की मदद से लो प्रेशर में ब्लेंड कर देना है। और अभी दोनों फेस में डिटेलिंग के लिए और एकदम से डार्क वैल्यूज के लिए मैं सॉफ्ट चारकोल पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। बाय द वे आप लोग यहाँ पर ब्लैक कलर पेंसिल का भी यूज़ कर सकते हो तो मैं किस तरीके से अभी कर रहा हूँ आप लोग देखो ध्यान से। We know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright.
before I sleep. Hear the crickets, see the moon, side by side and through and through. No limit to what we can do. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. The future is bright. और अभी लास्ट में फेस में हाईलाइट देने के लिए मैं कैची से स्क्रैच कर रहा हूँ, और आप लोग इस चीज़ को इग्नोर कर सकते हो अगर आप लोग इस चीज़ से कंफर्टेबल नहीं हो तो, क्योंकि इससे आप लोगों की ड्राइंग रियलिस्टिक तो बन सकता है बट इससे आप लोगों की ड्राइंग खराब भी हो सकते हैं। तो कहाँ पर मैं किस तरीके से कर रहा हूँ आप लोग पहले ध्यान से देख लो। और अभी फेस में जहाँ पर भी होली लगाना है वहाँ पर पहले व्हाइट कलर से घिस लेना, उसके बाद कलर यूज करना, और हो सके तो सॉफ्ट ऑयल पेस्टल का यूज करना, उससे आप लोगों को ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। और लास्ट में अभी तिलक देने के लिए फेस की एज में हाईलाइट देने के लिए मैं एक्रेलिक पेंट का यूज कर रहा हूँ। बाय द वे आप लोग यहाँ पर पोस्टर कलर को भी यूज कर सकते हो। तो बस गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी इस ड्राइंग की फाइनल पार्ट में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय, एंड सभी को हैप्पी होली।